ये जो कुआ है ना, ये कुआ मुझे लगता है शायद 2008 के आसपास इस कुएं की खुदाई शुरू की थी मेरे दादा दादी ने और मेरे बड़े भैया ने। वो समय ना यार, अगर अब भी हम बात करते हैं, खैर दादा जी तो हमारे साथ अब नहीं रहे, वो दादी जी हमारे साथ हैं, यार वो दिन में ना याद आते हैं। गर्मियों का समय, खेत पर आओ, इधर ये जो हल्का गड्ढा दिख रहा है ठीक, इस जगह पर एक महुए का पेड़ था, पेड़ की छाया में बैठ करके सूखी रोटी खाना प्याज और अचार के साथ, कुएं का पानी निकाल करके पीना, यार वो भी दिन, यार वो दिन बदलते जा रहे हैं समय के साथ साथ। जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है सब कुछ बदलता जा रहा है। दोस्तों रात के 11:30 बज रहे हैं और जैसा कि इसमें मैंने ब्लॉग बनाया था, सोचा ब्लॉग को मैं यही खत्म कर दूंगा, लेकिन मौसम का इतना मिजाज बदल चुका है कि मैं छत पे कमरे में अकेला हूँ और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और जैसा कि आप देखिए ये सीमेंट की चादर है और आपको आवाज़ आ रही होगी, पहाड़ दिखाता हूँ नज़ारा, कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है। देखिए देखिए बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा कर रख, सावन का महीना पूरा कर दिया यार। अभी यार क्या 7 जनवरी चल रही, बताओ ठंड कहाँ जाएगी। देखते हैं सुबह तक कैसा मौसम होता है, बारिश किस तरह की होती है, खेत का नज़ारा थोड़ा दिखाएंगे स्पॉट में कि लाइट जा चुकी है बारिश की वजह से। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे 8:30 और अभी भी बारिश हो रही है। बारिश कई बार बीच में रुकती है लेकिन फिर शुरू हो जाती है। रुकने का समय मतलब यही है कि भाई 10 मिनट और रुकता, कई बार 1 घंटा हो सकता है, रुकने का यही समय है। अगर आप कहीं मार्केट जाते हो तो आप नहीं जा सकते बारिश के अंदर, इस तरह बारिश हो रही है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और काफ़ी तेज़ हो जाती है ठीक है। तो फिलहाल तो मैं घर पर ही हूँ, अभी मैंने नहाया है, आपको दिखाता हूँ बाहर का क्या अभी हाल है। 8:37 हुए हैं, बारिश अभी हल्की बूंदाबांदी लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है और रात 11 से 2 बजे तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। 6 जनवरी से हमें सूरज देखने को नहीं मिला है, सर्दी का मौसम चल रहा है फिर भी बारिश लगातार हो रही है। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ वही जगह जहाँ पर मैंने कल वीडियो शूट की थी। आज 8 जनवरी हो चुकी है और रात 12 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके लिए मैं देखने आया हूँ खेत पर कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ। फिलहाल तो मैं खेत के बाहर आया हूँ, तो देखिए दोस्तों मैं खेत पर आ चुका हूँ और इस खेत में पानी भर चुका है, जैसा कि आपको दिखाता हूँ मैं, ये बाहर से सारा पानी आता है भरा हुआ है और ये पानी यहाँ से आ रहा है और आगे रास्ता पूरा नहीं निकलने के लिए, इसलिए पानी खेत में आ गया और पूरा खेत भर चुका है। तो अब यहाँ से मुझे खेत से पानी निकालने के लिए रास्ता बनाना है, यहाँ से रास्ता बनाएंगे, यहाँ से रास्ता पहले से हमने बनाया था ये बरसात के मौसम में, या यहाँ से पानी जाकर यहाँ से नाली बनी पड़ी है और ये पाइप भी पूरा जाम हुआ पड़ा है, ये पाइप इधर से खुल करके इधर निकल रहा है। तो चलो जल्दी से रास्ता बनाते हैं वरना बारिश आ रही है, खेत में चल के रास्ता बनाया जाए पानी के लिए। मेरे खेत में हुआ पानी बहुत ठंडा हो रहा है या बहुत बर्फ की तरह बिल्कुल चिल्ड, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ यार, मैं रास्ता कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा फिर निकल जाएगा पानी। कल तक ये मेरे अरहर के पेड़ काफ़ी खड़े हुए थे और रात में जो तेज़ बारिश और आंधी आई है, तेज़ हवा, तो उसका बोझ ये झेल नहीं सके और टूट चुके हैं। ये देखिए पेड़ अभी कुछ, ये कल काफ़ी सही थे लेकिन रात की बारिश से पूरे टूट चुके हैं। ये देखिए इसे सपोर्ट भी दिया था तब भी कामयाब नहीं रहा। और ये देखिए ये राई के पेड़ हैं जो टूट चुके हैं और ये देखिए पेड़ बिल्कुल टूट गया, कल ये पेड़ खड़ा हुआ था और कल ये भी कुछ सही था लेकिन अब बिल्कुल सही नहीं है। और ये पेड़ ये तो कल कुछ सही लिख रहे थे कि हाँ उम्मीद थी इन्हें खड़ा करने की, खड़े हो जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि इन पेड़ों को सही किया जा सकता है। ये वाला ये पेड़ कल तक सही था लेकिन ये आज टूटा हुआ मिला, देखते हैं अगर सही होते तो खड़ा करते वरना ये तो टूट ही चुके हैं। राई के पेड़ लगे हुए हैं और रात में जो तेज बारिश आई है उनका वो ये भी झेल सके और ये भी टूट चुके हैं। 6 तारीख लगातार बारिश आ रही है जनवरी में और इस तरह के पेड़ जिनके यहाँ भी होंगे वो लगभग खत्म है और अभी 2 दिन की तो और बारिश लग रही है, देखते हैं इन 2 दिनों में क्या होता है। ये देखिए जो हरी पत्ती वो धनिया बोलते हैं, रात में इतनी बारिश आई कि आप यहाँ पर जो पानी का जो बहाव है उस बहाव से मिट्टी के कटाव को आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गिरा होगा यहाँ पर। ये देखिए अगर आप ना देखें उतना ज़्यादा, और ये हिस्सा देखिए ये कितना कट चुका है, ये 1.5 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा हो चुका है, इतना तेज पानी निकला इस जगह से और यहाँ जो भी गेहूँ तो सब बहा चुका है। तो आज हो चुका है 9 जनवरी और आज भी बारिश लगातार हो रही है, रात भर बारिश हुई है, कैसा हो रहा है। और सुनने में आया कि रात में हमारे छतरपुर के आसपास कई क्षेत्रों पे ओले पड़े हैं जिससे किसानों की फसल खत्म हो चुकी है। अभी ये नहीं पता कि मौसम कब तक इस तरह का रहेगा, देखिए ये पूरा बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी होती रहती है, कभी तेज कभी कम।
अगर ओले पड़े जो भी फसल बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज हो चुकी है 10 जनवरी और आज कुछ मौसम साफ है। लगातार 6 जनवरी से हो रही बारिश से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो अभी 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े हैं कई जगह पर वो पूरी फसल खत्म हो चुकी है। तो आज का दिन जो बिल्कुल साफ रहा।